मैं असली स्टोरी दसदा, सॉरी मैं ज्यादा बोलता नहीं, पर मैं चलो मैंने स्टोरी याद आ गई। जाट एंड जूलियट वन जो बनी सी उदो दर्शक भाई जिहड़े इत्थे नहीं इस वक्त, उन्होंने मैं बुलाया सी एक फिल्म करनी है, तो मेरा तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम सी दर्शक जी की पहला, तो मैं क्या मैं इस बंदे मूँह से मना करके बना, मतलब होता ना कि कई बार यार इसको मना करना, मैंने नहीं करनी, तो हम उनको मना करने गए थे कि हम आपकी पिक्चर नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ ये किया था। तो मैं जब गया तो फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अब चेक साइन कर दिया ब्लैंक और बोले कि भाजी पैसे भर लो फिल्म करनी है। ये नहीं मैंने सोचा था कि ब्लैंक चेक आए, मेरे को लगी ये फिल्म वाली बात हो गई है। तो मेरा मैनेजर था तब एक साथ प्रीत, तो मैंने उसको बोला एक मिनट बात 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 करते हैं, मेरे को था ये ना बोल दे कि आप नहीं करेंगे। तो मैं कहा ये अब क्या करना है, तो उसने सोचा कि यार ये तो नहीं मना कर सकते, तो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसे गुरदास मान सर लेते थे फिल्म हो गई, तो कितने लेते हैं, इतने लेते हैं, हाँ इतने लेंगे, तब ये मना कर देगा कोई बात नहीं। तो हमने बोला उनको विद टीडीएस, कि इतना टीडीएस ही लगेगा साथ में, वो तो हमें मिलेगा, विद टीडीएस हमने बोला कि सर हम इतने पैसे लोगे, उसने बोला 1 लाख ज़्यादा भरो, तो ये फिल्म हो गई। तो उन्होंने मुझे साइन कर दिया, हमें कैनेडा भेज दिया, हाँ इन पर भी आ रहा हूँ, उन्होंने कैनेडा भेज दिया और उनके पैसे खत्म हो गए। फिर एंट्री हुई इनकी, प्रोडक्शन कर रहे थे ये, तो इन्होंने प्रोडक्शन की और सारे जो डाटा था इनके पास था, तो वो बोले कि अभी फिल्म मुझे यहाँ पे एडिट करनी है तो डाटा दे दो, ये बोले पैसे दे दो, बोले डाटा दे दो, तो ये बोले पैसे नहीं है, तो ये बोले कि बाहर पिक्चर फिर मैं लगाऊंगा, तो फिर ये प्रोड्यूसर बन गए। दूसरी स्टोरी ये है, तो उसके बाद ये स्पीड आई, फिर और पैसे कम हो गए, फिर ये आए, वो तो लग भी रहे थे कि अगर पैसा है, फिर अभी भी है उनके पास। तीसरे नंबर पे ये 3-4 बार पैसे खत्म हुए, फिर हमें था कि हमें फिर नीरू बाजवा लेनी है फिल्म में, है ना, नीरू बाजवा जी भी बहुत पैसे लेते हैं, फिर हम सब ने राय की कि हम सब बोलेंगे कि हमने 5-5 लाख रुपए लिए हैं मैडम, प्लीज हमारे साथ फिल्म करो, तो नीरू जी को बढ़ा के पैसे दिए गए हमसे ज्यादा। तो पहले दर्शन जी आए सीन में, फिर ये आए क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, बट वी लव यू दर्शन पाजी, अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म कभी नहीं बनती, और अगर वो ऐसे साइन नहीं करते तो ये फिल्म ही शुरू नहीं होती। जाट एंड जूलियट हिट हिट होने के बाद भी सबसे पहले मेरे पास ना ये आए ना ये आए, दर्शन गरीवाल आए विद ब्लैंक चेक, फिर उन्होंने साइन किया, कहते भर लो, फिर मैं देखा यार अब कितने पैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं लेता वो भर। तो एक्चुअली मेरा जो स्टैंडर्ड है वो दर्शन पाजी ने जो खड़ा किया, वो आज हम उनको मिस कर रहे हैं, मिस यू दर्शन पाजी, आपकी वजह से ये फिल्म बन रही, पहली बनी है, सेकंड बनी है, और आज भी अगर ये बन रही है तो ये फिल्म आपकी वजह से बन रही है। वी लव यू दर्शन पाजी, दर्शन पाजी के लिए तालियां हो जाए भाई। तो ये असली स्टोरी, ये असली स्टोरी।